नमस्कार भाई, सभी को कैसे हो? सभी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। अब आवाज वगैरह सभी तक पहुंच रही है मेरी? हाँ जी जी सर। ओके। चलिए, तो टेंथ शुरू करना था ना हमें, आज हमें टेंथ शुरू करना है। चलो देखिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले फोकस करते हैं इस टेंस की डेफिनेशन पर कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब ये है, जो सारी कहानी है टेंस को लेकर, यदि मैं कहूं कि टेंस होता क्या है, तो आपका सीधा दिमाग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पर जाता है, जबकि वो टाइम के तीन पॉइंट होते हैं। लेकिन टेंस जो होता है ना, ये हमारा वर्ब का फॉर्म ही होता है। इसका मतलब जब भी हमसे कोई टेंस के रेफरेंस मांगेगा, तो हम वर्ब के ही रेफरेंस देंगे उसे। अब कहानी इसमें ये है कि जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, उसी से हमें टाइम का पता चल जाता है। जब वर्ब के फॉर्म से आप टाइम को देखना शुरू कर देते हैं, तो यही वर्ब का फॉर्म आपका टेंस कहलाने लगता है। तो टेंस की सीधी सी डेफिनेशन ये है। लोग पढ़ते नहीं है, 99% लोग इस टेंस की डेफिनेशन पर ध्यान देते नहीं है, जो कि देना चाहिए, क्योंकि टेंस को यदि यहां से समझ जाओगे तो फिर क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे। तो सीधी सी डेफिनेशन ये है कि टेंस वर्ब का फॉर्म होता है जो हमें पर्टिकुलर पॉइंट टाइम के, कोई भी एक टाइम हो सकता है जिसको ये व्यक्त करेगा। दो टाइम हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा हो सकते हैं। पॉइंट का मतलब तीन पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और ये सब हमें वर्ब से पता चल जाते हैं। अगर टाइम भी ना दिया गया हो, हम एक्यूरेट टाइम लिखते, तो वर्ब का फॉर्म हमें बता देगा। वो कैसे हमें पता चलेगा, देखे ध्यान। मैंने कहा ही राइट्स वेल, मैंने कहा ही रोट वेल, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा ही विल, राइट वेल। इन तीनों सेंटेंस में आप देखना ध्यान से कि तीनों सेंटेंसेस में हमने कोई भी टाइम वगैरह नहीं लिखा है, ना हमने यहाँ पे यस्टरडे लिखा, ना टुमारो, ना टुडे, ना कुछ लिखा। लेकिन फिर भी आप तीनों में बता सकते हैं कि तीनों के तीनों सेंटेंस कौन से टाइम में लिखे गए हैं, इनका टाइम है क्या, ठीक है। और वो जो टाइम आप बताएंगे, वो इस वर्ब के फॉर्म से बताएंगे। इस वर्ब से आपको दिख रहा होगा कि ये जो वर्ब का फॉर्म है, ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड वाले सेंटेंस की बात करूं, तो मुझे पता चला कि ये पास्ट को रेफर कर रहा है, और जब मैं यहां से देखूंगा तो विल और बेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है सर, ये कंडीशन बनती है फ्यूचर, ठीक है। अब कहानी सारी यही है कि सेंटेंस वर्ब के बिना लिखा नहीं जा सकता। वर्ब लिखी जाएगी तो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। टेंस का मतलब ये है कि हम टाइम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई नोवेल वगैरह आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें हर बार यस्टरडे टुमारो नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी आप देख के पता लगा लेते हैं कि ये बात जो है प्रेजेंट में की जा रही है, पास्ट में की फ्यूचर में। वो क्यों? क्योंकि वर्ब का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि इसमें अपने आप में टाइम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछता है कि टेंस होता क्या है, तो आप सीधा एक आंसर देंगे सर, वर्ब का फॉर्म ही टेंस कहलाता है। जब हम वर्ब के फॉर्म में टाइम को देख लेते हैं, तो ये वर्ब का फॉर्म ही हमारा टेंस कहलाता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो कहानी सीधी है, आपसे जब भी कोई टेंस पूछे, तो आप वर्ब पे चले जाएं, और वर्ब के जितने रेफरेंसेस होंगे, वो सब टेंस के ही रेफरेंस होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब ये टेंस आपको बताएगा क्या? एक तो ये आपको बताएगा टाइम, यानी कि ये वर्ब का फॉर्म है, टाइम ऑफ एन एक्शन। कि नॉर्मल बातें आपको समझ लेनी होगी, धीरे धीरे हमें वहीं पे आना है जहां से आपने टेंस को कभी पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें वहीं पे आ जाना है। तो टेंस में क्या पता चला, वर्ब का फॉर्म मैंने देखा, तो सर जब भी मैं वर्ब को देखता हूँ, तो मुझे टाइम तो पता चल ही जाता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप मेरे सामने लिख दीजिए,
मुझे उसमें टाइम अपने आप दिख जाएगा क्योंकि उसमें वर्ब लिखा हुआ है। अगर वर्ब लिखा हुआ है तो मैं टाइम का पता लगा ही लूंगा उसमें, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन और है कि टेंस से मुझे और क्या पता चलेगा सेंटेंस में, कि वर्ब के फॉर्म में टाइम तो मुझे दिख रहा है, बार बार वर्ब के फॉर्म में मुझे टाइम तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और दिख रही है मुझे टेंस, स्टेट ऑफ एन एक्शन। कोई भी जो एक्शन हो रहा है ना, कोई काम, उसकी अवस्था का पता चल रहा है। ये स्टेट होता क्या है, स्टेट से मतलब क्या है एक्शन का, यानी कि एक्शन अपनी कौन सी अवस्था में पहुंच गया है, वो कंप्लीट हो गया या काम अभी अधूरा है। नॉर्मली आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी काम जब होगा ना, और जिस टाइम पे आप उसकी बात कर रहे होंगे, वो दो ही कंडीशन में लिखा हुआ होगा, कौन सा, या तो वो काम खत्म हो चुका होगा, परफेक्ट, ठीक है, या फिर वो काम चल रहा होगा उस टाइम पर। कॉन्टिन्यूअस स्टेट, आप कोई भी एक्शन माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी एक्शन आप इमेजिन कीजिए, आप जब उस एक्शन की बात कर रहे होंगे ना, या तो वो खत्म हो गया होगा या उस टाइम पे वो चल रहा होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। स्टेट का मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन एक तीसरी कंडीशन और बनेगी जो इन दोनों से मिलकर आएगी। एक ऐसा भी एक्शन होगा जो कुछ तो कंप्लीट हो गया होगा लेकिन बाकी अभी चल भी रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 4 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिए, उसका मुझे परफेक्ट स्टेट लिखना पड़ेगा, और क्योंकि काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है, चल भी रहा है, तो मुझे कॉन्टिन्यूअस में भी लिखना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों से एक स्टेट मिलकर बन के आ जाएगी, नंबर 4, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। का मतलब होता है एक्शन, और पार्शियल कंप्लीशन विद इनकम्प्लीशन, यानी कि आधा काम खत्म हो गया है और बाकी अभी चल भी रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार इसे, पार्शियल कंप्लीशन का मतलब आधा काम खत्म, पार्ट से बना है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, आधा हिस्सा, पार्शियल होता है एडजेक्टिव फॉर्म इसका, पार्शियल कंप्लीशन विद इनकम्प्लीशन। ऐसा कोई भी एक्शन आपको दिख रहा है ना जो कुछ खत्म हो गया लेकिन बाकी अभी बचा हुआ है, उस पर काम अभी चल रहा है, ठीक है, वो इस स्टेट में चला जाएगा। तो बात समझ में आती है, कितनी स्टेट हो गई, 3 स्टेट हो गई किसी एक्शन की। सर हो सकता है वो परफेक्ट हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एग्जिस्ट कर रहा हो जाके, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या एक एक्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? देखना, मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, आप हिंदी में तो ऐसे ही पढ़ते हैं कुछ, वो क्या पढ़ते हैं, ताहे तीहे ते हैं जो भी, कि वह स्कूल जाता है। जब इस सेंटेंस को मैंने बोला वह स्कूल जाता है, तो ये काम तो चल नहीं रहा अभी, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। मैंने क्या काम खत्म हो गया कि नहीं जी, मेरे सामने तो अभी हुआ नहीं है, तो कंप्लीट भी नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसे एक्शन जो ना कंप्लीट हो ना इनकम्प्लीट हो, जिनका ना कंप्लीट होने का पता हो ना इनकम्प्लीट होने का पता हो, वो अनिश्चित हो जाते हैं और वो इनकी स्टेट भी इनडेफिनेट कहलाती है, इनडेफिनेट स्टेट। इसे कहते हैं नाइदर कंप्लीट नोर इनकम्प्लीट, ना तो कंप्लीट ही है और ना इनकम्प्लीट ही है, उसके बीच का एक स्टेट है। स्टेट के लिए एक वर्ड हम यूज कर लेते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अब ये जो 4 स्टेट है ना, ये आपको हर टाइम पे अलग अलग देखने को मिलेंगे, और ये दिखाएगा आपको वर्ब का फॉर्म ही, वर्ब के फॉर्म में इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि जो वर्ब है ना, ये आपको दोनों चीज दिखा रहा है यहाँ पर। इसमें आपको टाइम भी पता चल रहा है, ठीक है, अब नहीं देख पा रहे वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि सर ये जो ऐसे ये फॉर्म, ये तो प्रेजेंट का ही फॉर्म होता है इनडेफिनेट में, ठीक है। ये राइट का सेकंड फॉर्म रोट लिखा हुआ तो पास्ट में लिखा जाता है, यानी पास्ट का टाइम है ये तो, और विल वगैरह फ्यूचर में लिखे जाते हैं,
ठीक है, बेशक कोई टाइम में लिखा हो, वर्ब का फॉर्म आपको टाइम बताने के लिए काफी है, ठीक है। और यही वर्ब का फॉर्म आपको क्या बताता है, स्टेट बताता है एक्शन की, ठीक है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि जो टेंस होता है वर्ब का फॉर्म है, इस वर्ब के फॉर्म से मुझे दो चीजें पता चल जाएंगी, स्टेट पता चल जाएगी किसी भी एक्शन की, यानी कि कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट है, या कंप्लीट के साथ इनकम्प्लीट स्टेट में है, या फिर वो इनडेफिनेट है ना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? अब आ रहे हैं वहीं पे जो चीज का आप इंतजार कर रहे थे, अमित यादव। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे दिक्कत है बताते रहना, क्योंकि मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा कंटिन्यू, ठीक है। लक्की यादव, तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। हम पहुंच गए हैं टेंस से आते आते इसकी स्टेट पर, क्योंकि बच्चे तो जब भी टेंस पढ़ते हैं ना, वो शुरुआत थोड़ा उठपटांग ढंग से कर देते हैं। अब ये स्टेट है, ठीक है ना, अब ये जो स्टेट है ना चारों, ये तीनों टाइम पे जाके एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में भी चारों हो सकती है, कोई भी एक्शन हो प्रेजेंट में चारों स्टेट में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि सर हमें टेंस पढ़ने पड़ जाते हैं 12, ये दरअसल 12 टेंस नहीं है, ये वर्ब की फॉर्म है जो 12 स्टेट को रेफर कर रही है, हर अलग टाइम में। चार स्टेट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करेंगी, चार ही पास्ट में एग्जिस्ट करेंगी चारों, ठीक है, और चारों ही किस में एग्जिस्ट करेंगी आपके फ्यूचर। तो यही वर्ब के फॉर्म आपको पढ़ने हैं, इन वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे पूरा टेंस इन पे टिका होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां से ये टेंस बने, और जो लोग कहते हैं कि टाइम ही टेंस है, तो वो बड़ी मूर्खता वाली बात है भाई, टाइम टेंस हो ही नहीं सकता है, टाइम तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो हम दूसरों को जोड़े हुए हैं, समय के बारे में कभी पढ़ना ध्यान से, महाभारत पढ़ देखना एक बार, मैं समय हूं। चलिए आप यहां से क्लियर कराना शुरू करते हैं, एक एक स्टेट करके हर टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, हमें पता कैसे चलेगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इंडेफिनिट स्टेट प्रेजेंट की हमें हैबिट को शो करती है, किसी भी इंसान की यदि आपको सेंटेंस पढ़ा और आपको हैबिट उसमें शो हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, हैबिट हो गया, कस्टम हो गए, कोई रीति रिवाज है उसके लिए, कोई रेगुलर एक्शन हो गया आपका, रेगुलर एक्शन यानी कि जो रूटीन होते हैं हमारे, परमानेंट एक्टिविटी जो हमारी होती है वो रेगुलर एक्शन में चली जाती है, ठीक है। कोई जनरल ट्रूथ है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी जाके एग्जिस्ट कर जाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब एग्जामिनर आपको हिंदी तो लिख के देगा नहीं एग्जाम में, तो मैं पता कैसे चलेगा कि मुझे इसमें वर्ब का फॉर्म लिखना क्या है, क्योंकि हर टेंस के अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग वर्ब के फॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है। तो वर्ब का फॉर्म लिखने से पहले हमें ये तो कंफर्म कर लेना है कि माल्या में है जो थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो भी रहा है इसका, नहीं वो सेंस भी है इसमें है नहीं। यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखने वाला होगा तो इसका मतलब मुझे वो सेंस तो मिले, मुझे पता तो चले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, तभी तो मैं उसकी वर्ब लिख पाऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जहां पे आपको हैबिट का पता चलता है, कोई सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको कस्टम का पता चला, रीति रिवाज जो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे, परमानेंट एक्टिविटी रूटीन जो होते हैं हमारे, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन का मतलब ये नहीं समझे कि काम रोज ही होगा, रेगुलर या रूटीन हमारे होते हैं, मान लिया कोई काम मैं एक हफ्ते में करता हूं तो करता ही करता हूं, मान लिया मैं वीकली सैटरडे और संडे अपने घर पे जाता हूं तो मैं जाता ही हूं, जरूर नहीं मैं डेली जाऊं, मान लिया मैं साल भर एक बार मनाली में छुट्टी मनाने जाता हूं तो ये भी मेरी परमानेंट एक्टिविटी का एक हिस्सा है, ठीक है। मान लिया विंटर वैकेशन के लिए हर साल जाते हैं विंटर वैकेशन के लिए, तो वो भी परमानेंट एक्टिविटी का हिस्सा है। उसके अलावा जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में सभी जो हेवनली बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है हमारी, वो सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है, चांद तारे सूरज वूरज ये सब। जनरल का मतलब समझे, जनरल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाए,
एक बार लिख दिया जाए तो उसकी तरह दिखने वाली हर जो थिंग होती है या कोई पर्सन है उन सभी पर लागू हो जाए अपने आप। देख अब जब आपको पता चल जाए कोई सेंटेंस पढ़ने से उसमें हैबिट और ये सब चीज शो हो रही है, तो आप वर्ब का फॉर्म क्या लिखेंगे उसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, ये जो वर्ब होता है ना इसमें एसएस लिखा जाता है, एसएस लिखा जाता है कब? जब सब्जेक्ट का नंबर हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं? ही, एक बार ही लिखवाऊंगा ये, बार बार जहां पे फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन्हें अपना इन्हीं से देखना। ही शी इट, कोई भी सिंगल नाउन हो वो भी सब किसी में जाएंगे। सिंगल नाउन का मतलब समझना, कोई नाउन नेम ही होता है, नेम। ठीक है, राम हो, श्याम हो, कोई बॉय हो, ठीक है, ऑनेस्टी हो, ये सभी हमारे किस में जाएंगे? सिंगुलर में जाएंगे। इसके अलावा कुछ हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, एटसेट्रा। ये सभी भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। तो जितने मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स लिखवाए हैं ना, ये सभी के सभी कैसे होंगे? सिंगल होंगे। ठीक है, कोई नेम वगैरह आ जाए वो भी सिंगुलर होगा। तो ये कंडीशन बनेगी आपकी किसमें? वर्ब का जो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा। तो ये जो मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ना, ये दरअसल होता बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। क्योंकि आपने इसे फर्स्ट फॉर्म ही पढ़ा है तो मैं इसे फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बेस फॉर्म होगा। जहां पे मैं बेस बोलूँ ना वहां पे ब्रैकेट बना के एक बी लिख लीजिएगा उसके पास में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस फॉर्म है, क्योंकि बेस फॉर्म से मैं काम लेने आया। ठीक है, इसमें एक और वर्ब का फॉर्म आएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एसीआईएस, विदाउट एसीआईएस। ठीक है, ये कब लिखा जाएगा सर? ये आएगा जब आपका सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉयज लिख दिया, मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया, ये सभी क्या है? हमारे प्लूरल नंबर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जहां हो जाए वहीं पे क्या होंगे? हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाए, इंटेरोगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि जो वर्ब का डू या डस का हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लिख लेना है, ये है हेल्पिंग वर्ब। फिर आप यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहां पे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है दरअसल, ये बेस है, बच जाएगा बेस फॉर्म बस। ठीक है, बेस फॉर्म। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे भी आप डू डज प्लस नोट का यूज करें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका मेन वर्ब होगा ना, ये मैं बेस फॉर्म लिख देता हूँ, ये इसमें बच जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका कहता है वर्ब के फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जहां पे भी आपको पहचान हो जाए कि हैबिट हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें कस्टम का पता चलेगा, ये सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस में तो आपको क्लियर ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपका काम बनता है कि सर मुझे समझ में तो आ गया मैं स्ट्रक्चर कैसे लिखूं, तो आप सब्जेक्ट का नंबर देखते हुए इस वर्ब को अप्लाई यहां पर करें। ठीक है, जैसे आप वर्ब को अप्लाई करेंगे तो वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में जाना शुरू हो जाएगा। इसकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ एडवर्ब लिखवा दूंगा, पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप सेंटेंस ही देख लें तो काफी अच्छा रहेगा। देख
अब मैं आपको पहले से एडवर्ब लिख के और आपके थोड़ा सिर में दर्द कर दूं तो ये तो अच्छी बात होगी नहीं। मैंने कहा शी गो टू स्कूल डेली, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका रूटीन है, ये इसके हैबिट में आ चुका है कि वो डेली स्कूल जाती जाती है। तो मुझे समझ में आ गया कि जब रूटीन बनी गया तो रूटीन तो सर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुझे वर्ब का भी पता चल गया। अब जो सब्जेक्ट का नंबर है ये है सिंगुलर, सब्जेक्ट का नंबर कैसा है ये सिंगुलर नंबर है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो सर ऐसे ये चलता है। तो एक काम कर लीजिए यहाँ पर गोज लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए गोज, देखिए शी इज समटाइम्स टॉकिंग टू अदर्स। एक बार देखिए सेंटेंस को, मैंने लिखा शी इज समटाइम्स टॉकिंग टू अदर्स। अब जब मैंने समटाइम्स यहाँ पर लिखा तो इसका मतलब कभी कभी वो ऐसा करती है कि दूसरों से बात कर लेती है, कभी कभी, ठीक है। एग्जामिनर जब आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखवाएगा तो एग्जामिनर को ये सभी सेंस पता होती है, वो सेंटेंस में कुछ ऐसा हिंट लिख के आपको जरूर देगा कि इनमें से कोई सेंस एक आपको मिल जाए, उसी हिसाब से आप वर्ब का फॉर्म लिखें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जब मैंने समटाइम्स यहाँ पर लिखा तो समटाइम्स ने मेरे हाथ बांध दिए हैं और मुझे पता चल गया कि इस सेंटेंस में एक हैबिट शो हो रही है कि कभी कभी वो ऐसा कर लेती है, समटाइम्स जो एडवर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे पता चली गया यहाँ पे हैबिट है और हैबिट का पता चलते ही इसने मुझे हिंट यहाँ पे दिया तो मुझे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब का फॉर्म मुझे पता ही है तो इज और आईएनजी फॉर्म तो इसमें नहीं आते, तो पहले तो इज हटाइए। अब ये जो मेन वर्ब लिखा हुआ है ना इसे सी के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे, जब आप इसे सी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये टॉक का हो जाएगा, टॉक टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा। एडवर्ब भी लिखवाऊंगा, पहले थोड़े एक बार सेंटेंस लिख लीजिए। मैंने लिखा आयरन एक्सपेंस ऑन बीटिंग On beating, iron expends on beating. इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो material है iron, ये जब भी इसकी पिटाई होती है on beating, जब भी ये process हम apply करते हैं तो कोई भी iron वो फैल ही जाता है, expand का मतलब होता है वो बढ़ जाता है। तो एक general sentence है, general, ठीक है, कोई भी iron लोगे तो ये तो सभी पे applicable है, ठीक है, दुनिया में। जनरल का मतलब जो भी लोहा आप उठाएंगे उसे जब भी पीटना शुरू करेंगे वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल सेंटेंस है और हमने यहाँ पे अपना पूरा वर्ब का फॉर्म अप्लाई किया है। आयरन जो होता है मटेरियल है और भाई मटेरियल हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, मटेरियल हमेशा सिंगुलर होता है। तो एक्सपेंस को हमने एस इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर है हमारा सिंगुलर। अब नॉर्मली ना एक सेंटेंस पढ़ा होगा, स्मोकिंग causes death। वैसे आप इसे नॉर्मली जो आप मूवीज वगैरह देखते हैं वहां पे लिखा हुआ मिलता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो इज वहां पर लिखा हुआ है ना, इज जो वहां पर लिखा हुआ है वो है बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म आपको बताया गया कि इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम और आर। बी का फॉर्म जो होता है इज एम और आर, ठीक है। जो इज लिखा जाता है, जो इज लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो एम लिखा जाता है स्पेशल केस है आई के साथ लिखा जाता है, आर लिखा जाता है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉजेज डेथ, यानी मृत्यु का कारण होता है स्मोकिंग। तो ये जनरल सेंटेंस है भाई, जनरल सेंटेंस है कि जब जब आप स्मोकिंग करेंगे जब तक वो कॉज बनेगा डेथ का, ठीक है। इसे कई तरीके से लिखा जाता है आजकल सेंटेंस को, आपने अगर मूवी में देखा होगा स्मोकिंग किल्स, अगर आपने नोट किया हो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा स्मोकिंग, तो जो किल्स है उसमें हमने एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये फैक्ट है, ठीक है। जो फैक्ट होते हैं हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमें वर्ब का फॉर्म दे रहा है हमारा, ठीक है, ये जनरल सेंटेंस क्लियर है। स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो बी का फॉर्म है जितने भी सिंगुलर आपने ऐसे एस लगा के लिखे होंगे, ठीक है। दरअसल वर्ब जो होता है ना सिंगुलर वर्ब, उसमें एक एट्रीब्यूटिव गुण मेन होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ ऐसे एस लेके चलता है, ठीक है।
इंडेफिनिट फॉर्म जब आप कभी भी उसका लिखेंगे तो एस आई एस लेके चलेगा, या मैं देख लेता हूँ आपको एक बार चेक करवा के मैं बता देता हूँ। कुछ वर्ब के फॉर्म हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू और डस, ये कुछ मैंने यहाँ पे वर्ब लिखे हुए, कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, हो सकता है मेन वर्ब के रूप में भी आपके सामने आ जाए लिखे हुए। यदि आप नोट करेंगे ना तो इसमें कुछ वर्ब्स ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें ऑलरेडी एस इंक्लूड है, जिसमें ऑलरेडी एस इंक्लूड है। एक तो आपका इज है, एक आपका वाज है, एक आपका हैज है और एक आपका डस है। सभी में ऐसे एस आया हुआ है जितना भी मैंने टिक किया हुआ है। ये सभी की सभी वर्ब ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है अगर आपने चेक किया हो तो। जितनी वर्ब पे भी मैंने टिक किया हुआ है ना जिसमें भी एस लिखा हुआ है, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। ये बचा आई के साथ, ठीक है, ये बचा आई के साथ और बाकी सभी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब मैं आपको कुछ एडवर्ब्स लिखवा देता हूं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी सेंटेंस में, कि आपको हैबिट्स वगैरह शो हो जाएंगे, इसमें रूटीन आपको शो हो जाएंगे। देखिए कौन कौन सी सम एडवर्ब्स, नॉट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिखवा दूंगा तो आप इनका पीछा पकड़ लेंगे, उन्हें रटते रहेंगे। आपको तो बस ढूंढ लेना है, ठीक है, ऑफन और फ्रिक्वेंटली सेंटेंस में जब भी लिखे जाएंगे तो एक हैबिट, एक रूटीन को शो कर देंगे। ऑफन फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, प्राय, समटाइम्स, हुआ जो भी आपने पढ़ा, सेल्डम हुआ, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी, ना के बराबर, ठीक है, नेवर हुआ, ऑलवेज हुआ, यूजुअली हुआ, जनरली हुआ, ओकेजनली हुआ। अभी मैंने आपको एक बार लिख के दिया था डेली। उसके अलावा जो एवरी होता है, एवरी के साथ कोई भी टाइम लगा के देगा, एवरी डे होगा, एवरी वीक होगा, एवरी मंथ होगा, एवरी है। जब भी एडवर्ब आए ना आपके सामने तो समझ जाना, थोड़े अलर्ट मोड पे आ जाना अपने आप ही कि यहाँ पे कोई भी सेंस आने वाली हो, ठीक है ना। हो सकता है कि इसमें से एक दो एडवर्ब आपको थोड़ा सा आगे जाके किसी और स्टेट में भी लिखी हुई मिल जाए। तो हमारा काम है मेनली जो भी स्टेट आपको लिखवाई जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट आपको लिखवाई है, इंडेफिनिट स्टेट है ये प्रेजेंट टाइम में, तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर सेंटेंस में ये डेफिनेशन आपको कहीं मिलती है तो आप बिल्कुल बेझिझक यही वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। ऑफन फ्रिक्वेंटली का मतलब है फ्रिक्वेंट एक्शन, जो अक्सर होते ही होते हैं, 90-95% जो होते ही। समटाइम्स का मतलब होता है नाउ एंड देन, कभी कभी। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ना के बराबर, कभी कभार। नेवर का मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा। एवर होता है इसका मतलब, यूजुअली आमतौर पर होता है, जनरली सामान्य तौर पर, ओकेजनली भी कभी कभी होता है, डेली, समझ गया, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ठीक है। यहाँ से आप सेंटेंस देख लेते हैं एक दो और। इस टीचमेंट के लिंक को जिस पर आप पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे भेज दें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इसी टीचमेंट पे सारा पेड कोर्स में जाएगा। वो नाउ देन भी होगा क्या इसमें? नाउ एंड देन दोनों होंगे ना एक साथ, बताया तो था नाउ एंड देन समटाइम्स के लिए, ये समटाइम्स ही तो होता है। हाँ जी, ये समटाइम्स ही तो होता है नाउ एंड देन। देखो अब सेंटेंस कैसे बनेंगे। आई मेट हिम एवरी डे, पता चल गया कि मैं रूटीन में हूं,
है ना, और मैं डेली क्या करता हूँ उससे मिल लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखना she always tells a lie। अब बहुत से बच्चों का ये कहना है कि सर जैसे एडवर्ब हमने यहाँ बीच में लिखा हुआ है तो ये जो वर्ब है हम इस वर्ब के को कैसे लिखें, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सर देखिए ये जो एडवर्ब मिल रहा है ना ये सिर्फ आपको हिंट देने के लिए दिया जा रहा है, वरना अगर मैं सेंटेंस सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूं और मैं किसी से बच्चे से कहने लगूं हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं, कहेगा ठीक तो ये है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं शी हैज टोल्ड अ लाई तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी इसमें। फिर एक तीसरा बोलेगा दिक्कत तो इसमें भी नहीं है, सही दोनों है, लेकिन मैं ऐसा लिखना नहीं चाहता, मैं तो ऐसे लिखना चाहूंगा। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें कोई ऐसा हिंट ही नहीं है जिससे हम इसे पक्का कर पाएंगे हम इसे कौन सी स्टेट में लिखें। लेकिन यदि मैं इसमें ऑलवेज लिख दूं या मैं इसमें एवरीडे लिख दूं, कोई एडवर्ब लगा दूं इसके बीच में, तो मुझे पता चल जाएगा, हैबिट शो करेगा, फिर मैं शायद ध्यान आ जाऊं। ठीक है, फिर ये पूरे पक्के मेरे हाथ बन जाएंगे कि मुझे यहीं पे लिखना है। इसलिए एग्जामिनर हमेशा हिंट देने के लिए कि सेंटेंस आपको लिखना कहाँ पर है, सेंस बनाने के लिए सेंटेंस में एडवर्ब लिख के देता है। ठीक है, अब एडवर्ब आपने देख लिया, आपको पता चले कि ये तो रूटीन है, इसका तो काम है हमेशा ऐसा करने का, तो मुझे पता चल गया इसकी हैबिट में आ गया, और हैबिट के लिए तो मैं वर्ब का फॉर्म जैसे लिखता हूँ बिल्कुल वैसे लिखूंगा। तो वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे लिखें, एडवर्ब लिखे जाते हैं सिर्फ आपको सेंस जनरेट करने के लिए सेंटेंस। ठीक है, बाकी वर्ब का फॉर्म अपने ऐसे ही लिखा करो जैसे आप नॉर्मली लिखते हुए आए। अब आपसे एक सेंटेंस है, चलिए देखो रमन डज नॉट हैज एनी कार। इस सेंटेंस पे आइए एक बार, इस सेंटेंस पे आने से पहले मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिख के देता हूं, रमन डज नॉट गोज टू स्कूल एवरी डे, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप निगेटिव सेंटेंस को लिखें, ठीक है, तो जैसे आप निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वो एस या ई एस का एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वो हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। जो एस ई एस हम मेन वर्ब में लिख रहे थे अभी तक वो अब किसमें लिखना पड़ता है हमें, हेल्पिंग वर्ब में। इसलिए जो रमन है इसका सब्जेक्ट का नंबर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नंबर है हमारा सिंगुलर, वो सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब में मुझे एस ई एस लेना था यहाँ पर, क्योंकि एट्रीब्यूट अब हेल्पिंग वर्ब में जाएगा। ठीक है, तो जो मेन वर्ब बचा है सर उससे क्या करें? भैया मेन वर्ब को कुछ मत करो, उसे उसके बेस फॉर्म में छोड़ दो, क्योंकि एस ई एस वाला जो एट्रीब्यूट था वो तो हेल्पिंग वर्ब लेके चला गया, तो इसे इसके बेस फॉर्म में छोड़ दीजिए। बच्चे कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं है सर, ये है बेस फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नॉट लगाकर आप जो लिखते हैं, ठीक है, मैं बताऊं ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं सेंटेंस को ऐसे लिखने लगता ना, They does not go to college, तो आप अपने आप कहते कि सर एक काम कर लीजिए इसमें से एस या एस हटा लीजिए क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर है हमारा प्लूरल, तो वो काम तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ हो ही गया एस या एस वाला मैटर तो वो तो बेस ही बच गया फिर वहां पे, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं हमें, तो ये बेस है। ठीक है, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो इसे देखना यहाँ पर, रमन का सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऐसे ही लिखा हुआ है, वहां पे कोई हिंट है ही नहीं, तो हमने मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है जब एग्जामिनर हमें ऐसे लिख के देगा तो। एक तो एग्जाम में एक चीज याद रखिएगा आप, कि सही सेंटेंस को कभी सही मत करना, एक सेंटेंस को सही करने के हजार तरीके हो सकते हैं। यदि सेंटेंस ऑलरेडी एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, ठीक है, और वो सही है, उसे सही रहने दो, उसे छेड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट या कोई आपको एरर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसमें आ गया एस या ई एस, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा मेन वर्ब। आप पे जिस बच्चे ने पहला वीडियो नहीं देखा तो हैज ए हैव वर्ब को देख लेना, इस वर्ब के फॉर्म होते हैं टू हैव, ये हैव है बेस,
ये आपको बताया गया था कि इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं वो होते हैं हैज और हैव। आप ध्यान रखिएगा, ये जो हैज लिखा जाता है ना प्रेजेंट में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये जो हैव लिखा जाता है, ये लिखा जाता है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर मैं यहां पे कहता हूं शी हैव अ कार, जब मैंने कहा था आपसे रखने के लिए हैज हैव का यूज, तो मुझे एक बात पता चला है, जो हैव होता है प्रेजेंट में तो प्लूरल नंबर के साथ लिखा जाता है, सिंगुलर के साथ एक ऐसा वर्ब फॉर्म लिखिए सब्जेक्ट की, इसमें ऐसे ही साथ हो, तो हैज हैव फॉर्म में कोई ऐसा फॉर्म तो बनाया नहीं गया अलग से कि हैज इज वेज लिखें ये से लगाएं, वो तो ऑलरेडी हैज में लिखा हुआ है, तो हम इसे मान लेंगे ऐसे ही इस वाला। तो सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हैज, इसलिए आप पढ़ते हैं शी हैज अ कार। और ये जो सेंटेंस है ना, शी हैज अ कार या आई हैव अ पेन, ये होता है इनडेफिनेट प्रेजेंट का। अभी तक तो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इनडेफिनेट टेंस है, वो तो परफेक्ट मान के बैठे हुए हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे ना लिखा होता और मैं लिख देता वी हैज सम बुक्स, देखो सेंटेंस थोड़े अभी छोटे ही लिखवा रहा हूं लेकिन आगे जाके बड़े हैवी हो जाएंगे। ठीक है, इनके यूजेस इतने हैवी हो जाएंगे कि काम आएंगे पूरे। अब हमने लिखा वी हैज, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, अब हैज लिखा हुआ तो प्रेजेंट का ही है, तो प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे सेंटेंस को, हमेशा वहीं चेंज करें एक्यूरेट में जहाँ पे एग्जामिनर आपसे मांग रहा है। जो मैंने अगर प्रेजेंट में दिया तो मीनिंग प्रेजेंट में ही दें उसे, उठपटान कुछ नहीं। सब्जेक्ट का नंबर है हमारा प्लूरल, वी अभी आपको बताया गया। अब प्लूरल वर्ब का जो फॉर्म होता है सर, वो तो हैव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो इसी का हमने एक नेगेटिव टेंस बना लिया, एक नेगेटिव स्टेट हम यहाँ पर लेकर आ गए। जब मैंने डज यहाँ पे लगा दिया तो ये आ जाना चाहिए अपनी बेस फॉर्म में, ऐसे ही इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जब ये बेस फॉर्म में आएगा तो हैज या हैव का बेस क्या होता है वो आपको बताया गया था, जो हैव लिखा हुआ यही बेस है, यहाँ से बन के आया है ये। ठीक है, तो एक काम करो इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पर हैव लिख, बहुत अच्छा सेंटेंस है, अच्छे अच्छे को ला सकते हैं एग्जाम किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे। देखो मैंने बहुत से बच्चों को ये कहते सुना है कि सेंटेंस में सर ये जो आएगा ना हैज ये गलत है, हैव आएगा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो हैव लिख दो। अरे भैया इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है प्लूरल नंबर में, सिंगुलर होती तो ऐसे ये आ जाती। ठीक है, इसका मतलब ये जो वर्ब है ना इसके से कोई लेना देना है ही नहीं, ये बच गया बेस, क्या बच गया बेस फॉर्म हैव। तो ध्यान रखना नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आप इंडेफिनिट में वर्ब कहते हैं ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, वो सब बेस फॉर्म होता, वो होता है वर्ब का बेस फॉर्म। कुणाल एबसेंट है, कल भी एबसेंट था, आज भी एबसेंट है। चलिए बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। किसी को दिक्कत हो तो बताएंगे। सब क्लियर है सर? क्लियर है। लक्की, लक्की वो क्लियर है सर? चलिए जिस भी बच्चे को डाउट वगैरह हो ना आपने, तो जब भी आपको कोई टॉपिक वगैरह क्लियर हो जाए तो अपने डाउट वगैरह नोट वोट कर लेना। और जो बच्चे पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं मेरे सुनाने वाले बैचेस में आगे, तो वो मुझे मिल सकते हैं वहाँ से। ठीक, शाम को वहाँ पर क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पर कभी भी आ जाइए। चलिए जी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेशियो एग्जाम में आने का इस वाली टेंस की स्टेट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, ये तो मुझे भी पता है कि जब भी मैं किसी भी स्टेट को परफेक्ट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, परफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि काम खत्म हो गया। और जहां पर भी परफेक्ट हो जाता है वहां पे परफेक्ट बनाने के लिए, ये शो करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया गया। ठीक है, कोई भी स्टेट में आप जाएं जहां पे भी आप परफेक्ट बोल पाएंगे या परफेक्ट आप बोल रहे हैं, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही आना है, क्योंकि परफेक्ट शो करता है कि काम खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, तो ये हमें कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक सीधा सवाल ये है कि जब काम खत्म हो गया हमारा और अब हम बात कर रहे हैं उस पर, तो वो तो पास्ट में चला गया ना, वो तो पास्ट में चला गया। अब बहुत से बात ये भी कह देते हैं कि एक्शन बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ था, बिल्कुल अभी अभी। ठीक है, बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अरे भाई जब एक सेकंड बीत ही गया, चाहे एक सेकंड ही क्यों ना हो, चाहे एक सेकंड ही क्यों ना हो, यदि वो बीत गया है तो फिर वो तो पास्ट हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इसे प्रेजेंट में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, दरअसल जो परफेक्ट टेंस होता है ना, ठीक है, इसमें एक्शन खत्म तो हो गया है और वो हुआ भी पास्ट में ही है। लेकिन उसका कोई ना कोई इफेक्ट प्रेजेंट पर रह गया। ऐसे एक्शन जो पास्ट में खत्म तो हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको जो इफेक्ट है वो कहाँ पे आ गया है, प्रेजेंट में आ गया। इसका मतलब ये जो टेंस है ना हमारा, ये थोड़ा खतरनाक है। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब का फॉर्म हमें टाइम शो करता है, इसका मतलब जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखूंगा तो ये भी मुझे टाइम बता रहा होगा। वर्ब के फॉर्म में आप टाइम को ढूंढिए, टेंस पढ़ने का मतलब यही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आप टेंस पढ़ते हैं ना, ये एक बहाना होता है पूरी ग्रामर को सीखने का। इसमें वर्ब के फॉर्म को इतना मजबूत कर लीजिए अपना कि जब भी आप वर्ब को देखें तो आपको पता चल जाए कि जो बात लिखी गई है इसमें कौन कौन से टाइम रिलेट हो गए। ठीक है, देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसमें मेरी ये छोटी सी बात ध्यान रखना, इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है ये आपको दो टाइम शो करती है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को। कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो गया लेकिन प्रेजेंट से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन बताने हैं, पास्ट से भी जुड़ा हुआ है प्रेजेंट से भी जुड़ा हुआ है, इन दोनों स्टेट को बताने के लिए आपको एक वर्ब का फॉर्म लिखना होगा जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इन्हें छोड़ देना जो हिंदी में पढ़े हुए चुका चुके और फलाना ढिकाना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसके वर्ब के फॉर्म जान लीजिए। कोई काम खत्म हो गया, ठीक है, कोई काम खत्म हुआ, खत्म होने के बाद हम उसे प्रेजेंट से रिलेट करना चाहते हैं, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, तो हम उसे लिखेंगे हैज, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जो ये हैज आपका होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, जो हैव होगा ये आपका प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, वो सारे सब्जेक्ट आपको मेंशन करा दिए गए हैं पहले। ठीक है, जब आप इसका नेगेटिव बनाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो हैज है, हैव है, आप उसके बाद नोट लगाएं और वो आपका थर्ड फॉर्म ऐसे रहने दें, हैज या हैव सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख लें। जब आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे स्टेट में ले जाके, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एज एव लिखिए, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा और वर्ब पर कौन सा फॉर्म चलेगा सर, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो इसमें आने ही आना क्योंकि परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट है, एज एव तो यहां पर आएगा ही आएगा। एडवर्ब भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले यदि आप टाइम को रिलेट करना सीख गए ना, अगर आप टाइम को रिलेट करना सीख गए कि दो टाइम से रिलेट हो कैसे रहे हैं, दो टाइम यदि एक साथ मुझे मिल जाए, पता चल जाए कोई एक्शन है जो दो टाइम पर हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा था और प्रेजेंट में भी है वो इफेक्टिव,
तो इसका मतलब मैं उसे जोड़ दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट से, ऐसे देखना। दिस रूम अपीयर्स क्लीन नाउ। आई थिंक समवन क्लीन इट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी आदत बन चुकी है कि जितने बड़े सेंटेंस आप देखते हैं उतना ही घबरा जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा सेंटेंस होगा ना उतना हिंट आपके हाथ में होगा, इतना ध्यान रखना। जितनी ज्यादा बात लिखी जाएगी उतना उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपके लिए, जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना खतरनाक होता है। आप छोटा सेंटेंस देख के मजे में आ जाते हैं, फिर भी गलत करके आ जाते हैं, लेकिन मन खुश रहता है आपके अंदर कि छोटा था। बड़ा सेंटेंस आपको डर लगता है, लेकिन ध्यान रखना बड़ा सेंटेंस जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने हिंट आप छोड़ते चले जाओगे सामने वाले के लिए, और जितना हिंट आपको मिल जाएगा उतना सब क्लियर होता चला जाएगा। अब इसमें तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि ना कि कोई रूल है इसमें, भाई रूल तो होता ही नहीं, लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता, जो सेंस बताई गई उसमें आपका दिमाग यूज करना है बस। मैंने कहा दिस रूम अपीयर्स क्लीन नाउ, मैंने आपसे पहले कहा है जब भी आप वर्ब का फॉर्म देखें, वर्ब को देखते आप टाइम पे पहुंच जाए तुरंत, ठीक है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म आपको टाइम बता देता है। इसमें कौन सा टाइम है, कब की बात की जा रही है, प्रेजेंट की, नाउ लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगर ये बात लिखी जा रही है, मैं कैसे करता हूँ पर्सनली, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई सेंटेंस मेरे सामने आता है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे लिए लिखा गया, और मैं अपने आप को वहीं पे ऐसे ही मान लेता हूँ, ये बात मेरे लिए लिखी जा रही है, तो मैं इसे पूरा डिटेल में पढ़ लेता हूँ। दिस रूम अपीयर्स क्लीन नाउ, है ना, ये रूम ना मुझे प्रतीत होता है जैसा साफ है, मुझे लगता है कि किसी ने इसे साफ कर दिया। अब मुझे एक बात बताना, ये साफ करने का काम कब हुआ होगा, एक बार बोलिएगा सभी, प्रेजेंट की पास्ट में कब हुआ होगा सर, पास्ट में, पास्ट में हुआ होगा, लेकिन इस काम के होने के कारण पास्ट में प्रेजेंट में एक इफेक्ट है ना, मैं देख रहा हूँ वो इफेक्ट, वही रूम साफ करके चला गया और मैंने आके देखा ये साफ हो रहा है, तो प्रेजेंट में तो उसका इफेक्ट रह गया, रूम उसने कभी भी साफ किया हो। अच्छा, पास्ट में हुए एक्शन यदि प्रेजेंट में कोई इफेक्ट डाल रहे हैं और प्रेजेंट से रिलेट हो गए अपने आप, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, तो समवन के बाद बस हैज प्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्लीन का थर्ड फॉर्म भी यही रहने वाला है, समवन हैज क्लीन। बताइए, शी डिड नॉट टेक एनीथिंग टिल नाउ, टाइम रिलेट करो बस, कहना क्या चाह रहा है, एक्शन कौन कौन से टाइम पे चल रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि सेंटेंस में बताया जा रहा है कि कोई लड़की है जिसने अभी तक कुछ नहीं खाया, शी डिड नॉट टेक एनीथिंग टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब है अब तक। यदि आप देख पा रहे होंगे तो कौन कौन से दो टाइम है, प्रेजेंट में तो उसने खाया ही नहीं है कुछ भी, लेकिन पहले भी तो नहीं खाया, पास्ट में है ना। अगर मैं आपसे कह लूँ यार मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, अब तक का मतलब क्या है, अब से पहला जितना टाइम चला गया और अब दोनों टाइम, पास्ट भी और प्रेजेंट भी, मैंने कुछ खाया नहीं है, ये जो एक्शन है आपका दो टाइम पर रिलेट कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट। तो सर यहाँ पे वर्ब का एक ऐसा फॉर्म लिख दीजिए जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को दिखाए, क्योंकि वर्ब में तो टाइम दिखता है, आप ही तो कह रहे थे, तो एक वर्ब का फॉर्म वही है जो पास्ट और प्रेजेंट को दिखाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो तो हैज या थर्ड फॉर्म होता है, तो सी के अकॉर्डिंग पहले हैज लिख लो, फिर नोट लिख लो, और जो टेक लिखा हुआ है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। आपका टेंस इसलिए क्लियर नहीं होता कि आप वर्ब का फॉर्म रटते हो, आप ये नहीं समझते कि वर्ब का फॉर्म लिखा क्यों जाता है, ठीक है, एरर तो आप निकाल लेते हो आराम से। देखना एक सेंटेंस, ही गोज टू कॉलेज यस्टरडे, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा वर्ब में आपको टाइम दिखता है, कौन सा टाइम दिख रहा है वर्ब में, प्रेजेंट, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि भैया मुझे वर्ब में प्रेजेंट टाइम नहीं दिखाना क्योंकि मैंने टाइम लिखा हुआ पास्ट, तो इसका मतलब ये पास्ट का टाइम मुझे वर्ब में दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक वर्ब का फॉर्म ऐसा लिख दो जहां पे पास्ट ही दिखे, मैंने लिख दिया सर वेंट, हो गया एरर, फाइंड आउट। इसलिए कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म बदला जाता है क्योंकि टाइम वर्ब में दिखता है,
तो मैं आपसे पहले कहता हूँ, सबसे पहले आदत इंग्लिश पढ़ने वाले हो, एक डाल लीजिए अपने आप में, जब भी वर्ब का फॉर्म आपको दिखे, वर्ब के फॉर्म में आप टाइम देखना शुरू कर दो, तो आपके लिए आने वाली सारी क्लासेस या आने वाले फ्यूचर में इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा लड्डू हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, और बता तुम सेंटेंस देख, देखिए ही लैंग्वेज में सबसे बढ़िया तो ये बात होती है कि आप मजे लेके पढ़ते हैं पूरा, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है ना पूरा, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हैं। शी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो रिटर्न मैंने लिखा ये तो पास्ट है, वो आपका सेकंड फॉर्म है, मैंने जस्ट नाउ यहाँ पे लिख दिया सर। जस्ट नाउ का मतलब अभी भी, इसका मतलब कोई काम हो तो गया, लेकिन जस्ट नाउ लिख के मैं उसे प्रेजेंट से रिलेट करना चाहता हूँ, यानी कि दोनों टाइम दिखाना चाहता हूँ, दोनों टाइम। तो जस्ट नाउ लिखा हुआ तो कुछ मत करो, ही के बाद आप हैज प्लेस कर देंगे, तो ही हैज रिटर्न हो जाएगा दिल्ली जस्ट नाउ। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं, अब ऐसा वो इसीलिए है कि आप उन्हें कितनी बार भी लिख लीजिए, वो दो टाइम ही रिलेट करके देंगे आपको, वो दो टाइम आपको रिलेट करके देंगे। वो जो ऑलवेज आपने वहां पे पढ़ा था, एक तो वो ऑलवेज खुद देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, रटना कुछ भी नहीं है, समझना हर चीज को है। ऑलवेज का मतलब होता है एवर, ऑलवेज का मतलब होता है एवर। जस्ट नाउ या जस्ट वगैरह, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, जिसे हम बोलते हैं ऑफ लेट, ऑफ लेट। इसके लिए ना हम ये एडवर्ब यूज करते हैं, लेटली, ऑफ लेट, रिसेंटली। ठीक है, मान लिया कोई आदमी था, आप उससे मिले, ठीक है, और काफी दिन हो गए, लेकिन उसे भी कोई अवार्ड वगैरह मिल गया बढ़िया, आप उससे अपना रिलेशन बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यार उससे रिसेंटली तुम्हें मिला, रिसेंटली मिले हुए आपको काफी टाइम हो गया, लेकिन रिसेंटली लिख के आप पैसा डालना चाहते हैं कि प्रेजेंट में, अभी अभी प्रेजेंट में हुआ है काम, यार प्रेजेंट से रिलेट करना चाहता हूं मैं, तो रिसेंटली, ऑफ लेट और लेटली, ये सारे वर्ड प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल देते हैं पास्ट के हुए काम का। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड होंगे आपके, देखिए, टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब आज तक, येट, ये एडवर्ब है यहाँ पर, इसका मतलब भी क्या होता है, दो टाइम को रिलेट करता है, पास्ट और प्रेजेंट, सो फार और एक टिल नाउ, इनका मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, टिल नाउ का सो फार। अगर मैं कहने लगूं कि ऐसा क्यों है, तो सीधा सा एक ही रीजन है सर, अगर हैज है वो थर्ड फॉर्म आप सेंटेंस में लिख पा रहे हैं, तो उसका सीधा सा रीजन है कि दो टाइम आप शो करना चाहते हैं और कोई रीजन है नहीं। कितनी बार भी लिख लेना, हजार बार लिख लेना, हैज या हैव कभी भी आ जाए, कभी भी किसी भी रूप में, अगर आपको ये पास्ट और प्रेजेंट वाली बात याद है ना, तो आप कभी भी इसमें मार्क नहीं खाओगे, क्योंकि अलग अलग मैं सिंस फोर के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा कि सर इसके, अब सिंस फोर की वजह से ये अलग रूप में आ रहा है, नहीं, अरे भाई जिसने हैज या है वो थर्ड फॉर्म बना दी, एक ही सेंस में तो बनाया होगा, अलग अलग थोड़ी, यहीं से देख लेते हैं। रमन डिड नॉट टॉक टू अस येट, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यार रमन ने अभी बात नहीं की है हमसे, तो इसका मतलब यदि अभी बात नहीं की, तो अभी का मतलब आप दिमाग में लगाइए, अभी का मतलब ये है कि ना तो अब वो हमसे बोल रहा है, पहले से नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, मान ले कोई आया आई थिंक से दिल्ली विल्ली से, कहते यार अभी तक उसने बात ही नहीं की, इसका मतलब बहुत टाइम हो गया, काफी पास्ट का भी कुछ टाइम बीत गया है और प्रेजेंट में भी बात नहीं कर रहा, तो पास्ट और प्रेजेंट मिल तो गए मुझे यहाँ से, और जब दोनों टाइम मुझे मिल गए तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखूंगा मैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनाऊंगा, तो रमन के साथ हैज लिखो, नोट यहाँ पे आ जाएगा, और आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप,
बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है, अब ऑलवेज का देखना, मुझे ना कोई इसका मतलब बताए सेंटेंस का कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी ऑलवेज से हम तेल से लाई पड़ गए हैं और ऑलवेज अभी एक कंडीशन में मोड लिखे, मुझे सब मतलब बता दे एक बार। देखो मैं बता देता हूं, इससे पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, सी ऑलवेज टेल्स अ लाई, तो मुझे यहां पे एक वर्ब दिखा और इसमें मुझे एक ही टाइम दिखा बस प्रेजेंट, उसमें एक स्टेट चमक रही थी, मुझे पता चला इंडेक्ट, तो मुझे पता चला कि इसकी प्रेजेंट की ही हैबिट है कि वो हमेशा ऐसा करती है प्रेजेंट में, आज की ही मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने हैज और थर्ड फॉर्म लिखा तो मुझे तो पता चला कि ये काम इसका प्रेजेंट प्रेजेंट का नहीं है, ये तो दो टाइम पे रिलेट हो रहा है, ये पहले भी ऐसे ही करती थी और ये आज भी ऐसे ही करती है, बताइए। इसलिए जब बच्चे कभी पैसेज पढ़ते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, तो उसमें ऑलवेज को लेकर फिर वो कहते हैं उसमें तो एरर आते नहीं निकालने के लिए, कहते हैं ऑलवेज में तो इंडेफिनिटी लिखा होता है तो परफेक्ट कहां से आ गया। अरे भाई आप किसी भी वर्ड को बांध के नहीं रख सकते सेंस में, एक शब्द चेंज हुआ एक वर्ड चेंज हुआ सारा मीनिंग बदल जाएगा पूरे, ठीक है। तो जो ऑलवेज लिखा हुआ है ना पॉसिबल है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, तो मेरा कहने का मतलब है जरूरी है एडवर्ब्स नहीं है, जरूरी है इनकी सेंस, अगर ये सेंस मुझे मिल जाएंगे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता फिर वर्ब के ये फॉर्म लिखने से, ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस है आपके लिए, मुझे बताना इसी से रिलेटेड है, लगता दिमाग से निकल गया मेरे। देखो और ये कोई फिक्स नहीं है, ये जो मैं टू दिस डे लिखवा रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा कहाँ से बने और कैसे बने, ये फिक्स नहीं है कुछ भी, मैं तो पूरा बोर्ड भर सकता हूँ ऐसे एडवांस लिखवा कर, लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ये रटिए नहीं बिल्कुल भी, आप बस वो सेंस याद रखिए, सब चीजें आपका दिमाग काम कर लेगा अपने आप। एक वर्ब का फॉर्म है मीट, ठीक है, सेंटेंस निगेटिव बनाना है क्योंकि मीनिंग निगेटिव से आएगा, इसमें एक बार फटाफट वर्ब का फॉर्म लिख दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी बोलिए, मैंने कहा कि मैं ना तुम्हारे भाई से आज तक मिला नहीं, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मैं आज तक तुम्हारे भाई से नहीं मिला तो मुझे एक बात तो पता चल गया ना, तो मैं पहले मिला और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो आज तक की भी गारंटी है, फ्यूचर का तो पता नहीं लेकिन ये दो टाइम तो मुझे पता है। तो जो नाम मिलने के एक्शन है दो टाइम पर रिलेट कर गया, पास्ट में प्रेजेंट में, जब पास्ट में प्रेजेंट में रिलेट कर गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, आई के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो नोट लिखो, और मेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म मैट ही होता है, तो थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे क्या मैट, आई हैव नॉट मैट योर ब्रदर टू दिस डे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा, टेंस की आपने डेफिनेशन पढ़ी, इसे थोड़ा अपना ध्यान से पढ़े, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट तो आजकल के ट्रेंड में चला हुआ है, आप ये मान के चलना ये नए नए तरीके से आपके सामने आएगा, लिखना कैसे है कैसे आपको गलती करने से बचना है, तो आगे जो भी टेंस है उनमें अपना कल मिलते हैं भाई, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भेज दीजिए आप इसके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए सभी को गुड नाइट, राम राम, नमस्कार, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू।